समझना है मुझे, तो कुछ ख्याल करो। कम दूरियां चलना मेरी फितरत नहीं, दूर तक चलना है तो कुछ मिसाल करो। तो इससे पेशतर कि मैं आप सब साथियों के साथ, सब बहनों के साथ, जो मौजूद मुझे दिया गया है शायरी का, उसके ऊपर गुफ्तगू का इब्तदा करूं। मैं गैर लक्ष्मी की टीम को और महेंद्र जी को, मनीष जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब के साथ इस गुफ्तगू में शामिल हो सकूं और अपने तजुर्बात और जो अपनी शायरी मैंने लिखी है आपसे वो साझा कर सकूं, क्योंकि आज ये मेरा पहला मौका है। तो मैं चाहता हूं कि अपना एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ भी करवा दूं। मेरा नाम राकेश सूद है और शायरी के साथ जो कहा जाता है कि तकल्लुस होता है, तो वो मेरा रश्क तकल्लुस है। तो इस शायरी की दुनिया में और मेरे चाहने वाले मुझे राकेश सूद रश्क के नाम से पहचानते हैं और जानते हैं। कुछ साल पहले मैंने अपने शायरी का सफर जारी किया, चालू किया, और बीच में मैंने अपने पूरी शायरों का, शायरी का जो मेरी गजलें थी उसका मौजू एक हिदायतों के नाम से किताब में मैंने उसको इकट्ठा किया और काफी अच्छी किताब वो पूरे दुनिया में बिकी, अच्छा लगा। तो अब मैं आपसे सीधे गुफ्तगू में आता हूं और अपनी शायरी की कुछ किस्से, कुछ बातें, कुछ नज़में, कुछ गीत, कुछ अशआर आपके सामने पेश करूंगा और आपके साथ शामिल होऊंगा। लेकिन कोई अभी सामने आए नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे यार। तो हुस्न वालों की दुनिया में नया हूं, शर्मा रहा हूं, तेरे मैं खाने में पहला कदम है, घबरा रहा हूं। जिंदगी के अंदर जो बातें होती हैं वो शेरो शायरी के अंदर आदमी कहता है। तो मेरी जिंदगी का फलसफा है, जो कि मैंने अपने जीवन में पहला शेर लिखा था उसके ऊपर अपनी जिंदगी को मैं आज हमेशा मुकर्र करके चलता हूँ। वो शेर मैं जरूर सुनाता हूँ हर महफिल के अंदर, जिसने कि मेरे अंदर काफी एक किस्म की तवानाई, तौफीक खुदा ने बख्शीश की है। तमाम मजहबों की इबादत गाहों में जाकर मैंने खुद खुदाई से ये जाना है, बाद उसके मैंने बंदों को खुदा माना है। ये मेरी जिंदगी का फलसफा है और इसको ही मैं हमेशा साथ लेके चलता हूं। तो आइए, समझना है मुझे। हाँ जी, याद आ गया शेर। पहली मुलाकात है कुछ सवाल करो, पहली मुलाकात है कुछ सवाल करो, समझना है मुझे तो कुछ ख्याल करो, समझना है मुझे तो कुछ ख्याल करो। कम दूरियां चलना मेरी फितरत नहीं, दूर तक चलना है तो कुछ मिसाल करो, दूर तक चलना है तो कुछ मिसाल करो, दूर तक चलना है तो कुछ मिसाल करो। जीवन के अंदर कई बातें ऐसी होती हैं
जबकि आदमी शुरू करता है जीवन के अंदर चलता रहता है, तो शायरी का मायता क्या है? शायरी एक चीज वो हुई जिसमें कि जो आप बोलते हो वो तो दूसरे को अच्छी तरह समझ में आए। आज से कोई 1000-1200 साल पहले गजल गोई की शायरी की परंपरा शुरू हुई और ये इश्क और मशूक और इश्क और मोहब्बत की बातों में हुआ करती थी और चलते चलते ये राजमहलों में दरबारों में पहुंच गई। उसके बाद फिर ये कौमी तरानों में आ गई और फिर ये एक आम किस्म की भाषा बन गई और लोग गजलों में और शायरी के अंदर बातें करने लगे। तो शायरी में जो शायर होता है वो आम हालात को देख के उसके ध्यान में जो पहले आता है कुछ फिक्रा बना के कुछ मिसरा लेके आगे अपने शेर को कर देता है आगे। तो मैं क्योंकि आज ये अधिकतर हमारे यहाँ जो शामिल हुई हैं इस महफिल के अंदर वो अधिकतर मोहतरमाएं हैं, तो मैं मोहतरमाओं के ऊपर सबसे ज्यादा आज बोलना चाहूँगा और जो मैंने अपने खजाने में लिखा है उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हुस्न की तारीफ एक ऐसी मौजू है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसने कि दुनिया के हर शायर ने लिखा है। शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हुस्न की तारीफ ना की और उसने अपने अपने अलग अलग अंदाज में अपने अपने तरीके से हुस्न को समझा और हुस्न की तारीफ करी। तो हुस्न की तारीफ के अंदर मेरी भी एक बड़ी मशहूर गजल है, उसको मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। देखिए हुस्न को कैसे किस हालात में किस माहौल के अंदर हुस्न की तारीफ की गई है। तेरा मुझे यूं देखना दीवाना बना देता है, ना जाने किस किस का निशाना बना देता है। नशा टपकता है तेरी नजरों से मुसलसल, हर महफिल को मैं खाना बना देता है। दस्तयाब लिए घूमते हैं सब आस पास तेरे, दस्तयाब मतलब हाथ में पानी का गिलास लिए, दस्तयाब लिए घूमते हैं सब आस पास तेरे, छूना ही तेरा शीशे को पैमाना बना देता है। दोस्ती तेरी किसी आमावर के साथ, दोस्ती तेरी किसी आमावर के साथ मामूल को भी कसूर से जहां बना देता है। रोशन शमा शर्मा जाए तेरे हुस्न नूर से, रोशन शमा शर्मा जाए तेरे हुस्न नूर से, तमाम हजूम को परवाना बना देता है। तमाम हजूम को परवाना बना देता है, सलीके गुफ्तगू तो कोई तुझसे सीखे, सलीके गुफ्तगू तो कोई तुझसे सीखे, सियाने को और भी सियाना बना देता है, सियाने को और भी सियाना बना देता है। देखिए कहाँ पहुंचा है शायर, दाखिल होना महफिल में तेरा गुनगुनाते हुए, दाखिल होना तेरा महफिल में गुनगुनाते हुए, खामोश माहौल को भी सुफियाना बना देता है, खामोश माहौल को भी सुफियाना बना देता है। रोज ईद को तेरा हाजिर होना मशीद में, रोज ईद को तेरा हाजिर होना मशीद में, इबादत गाह को भी कुछ खाना बना देता है। तेरा मुझे यूं देखना दीवाना बना देता है, जाने किस किस का निशाना बना देता है। देखिए अभी शायर की बात देखिए, तेरा मुझे यूं देखना, अब इसको मैंने एक और गजल के अंदर कैसे डाला है, शब्द यही है लेकिन मतलब जमीन आसमान का फर्क हो गया। यहां कह रहा हूं तेरा मुझे भी देखना दीवाना बना देता है, वहां कह रहा हूं दूर दूर से तेरा देखना जब मुझको बना देता है दीवाना। देखिए दूर से तेरा देखना जब मुझको बना देता है दीवाना, फासले कम हो गए दरमियां तो हाल क्या हो। दूर वही चीज वही है, शब्दों का बात है। एक बार सुनिए दूर दूर क्यों देखिए, दूर जाने से लोग भूल जाते हैं अक्सर, दूर जाने से लोग भूल जाते हैं अक्सर, नजदीक ज्यादा भी रहना अच्छा नहीं होता, नजदीक ज्यादा भी रहना
अच्छा नहीं होता, उम्र गुजारी हो जिसे खुले आसमां के नीचे बाकी बंद कमरों में बिताना अच्छा नहीं होता। कुछ तो हिदायतें अपने तजुर्बे से ली होती, बरसते बादलों में कीड़े सुखाना अच्छा नहीं होता। इसके तो खास वजह कहूंगा, इतनी चाहत, इतनी उल्फत, इतनी मोहब्बत ठीक नहीं। इतनी चाहत, इतनी उल्फत, इतनी मोहब्बत ठीक नहीं। बार बार एक ही से धोखा खाना अच्छा नहीं, बार बार एक ही से धोखा खाना अच्छा नहीं होता। देखिए, दूर से देखना और दूर, एक ही शायरी के अंदर से अलग अलग माहौल के अंदर ये बातें की गई। आपको मैं एक और साथ याद जरूर तवज्जो चाहूंगा आपकी, कि आप अगर आपको कुछ मेरे से पूछना है, कुछ बात करनी है या कुछ सवाल है से पूछते रहिए, क्योंकि मेरे सामने आज स्क्रीन के अंदर कुछ और आ नहीं रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन कौन लोग अच्छा है सामने। तो नमस्ते मनीष, नमस्ते मधु, राम, बहुत बढ़िया। तो एक और आपको बड़ी एक सिंपल सी गजल सुनाता हूँ, जो कि शायरी क्या है, शायरी में सबसे ज्यादा शायरी में जब आपसे बात करो लगे कि मुझसे बात कर रहा है और शायरी भी हो रही है साथ के साथ। अब सुन लीजिए शायरी, एक गजल सुनाता हूँ। रात रात मुझे सोते से जगा गया कोई, रात मुझे सोते से जगा गया कोई, ख्वाबों को मेरे पर बिता गया कोई, ख्वाबों को कर मेरे जुदा गया कोई। बता रहा था राज दिल मेहताब से, चंद्रमा से बातें कर रहा था, बता रहा था राज दिल मेहताब से, अब्र का टुकड़ा सामने आ गया कोई, बादल अब्र का टुकड़ा सामने आ गया कोई। अक्स ढूंढ रहा था ठहरे पानी में, अक्स ढूंढ रहा था ठहरे पानी में, कंकर फेंक उसे हिला गया कोई, कंकर फेंक उसे हिला गया कोई। आ रहे थे मिलने वो मुझसे मुद्दत बाद, खास बोलते जाऊंगा, आ रहे थे मिलने वो मुझसे मुद्दत बाद, रस्ते में गलत लौटा गया कोई, रस्ते में गलत पता बता गया कोई। आगे देखिए क्या शेर है, खुशियां सामने से मेरे ऐसे गुजरी, खुशियां सामने से मेरे ऐसे गुजरी, अजनबी पास से चला गया कोई, अजनबी पास से चला गया कोई। तो ये शायरी है, शायरी में बात करने का एक तरीका होता है, सिंपल चीजें बोलने का, ताकि आम आदमी को वो एकदम समझ में आए। जिन लोगों ने मेरी हिदायतें किताब पढ़ी है उसके अंदर वो कहते हैं कि राकेश जी पूरी किताब के अंदर सिर्फ 10-12 शब्द ऐसे थे या 15 जो हमको डिक्शनरी देखनी पड़ी या आपने उसका मतलब नीचे लिखा हुआ था, वरना आपकी शायरी हिदायतों के अंदर ऐसी है कि जैसे कि बिल्कुल कोई हमसे बातें कर रहा है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जो लग रहा हो कि ये कोई शब्द, कोई अच्छा फिलॉसफी, सिंपल फिलॉसफी जो आम आदमी को समझ आए, वो मैंने अपनी किताबों में अर्ज की है। और यही मैं मुशायरों के अंदर और महफिलों के अंदर कहता हूँ। मैंने अपने जीवन काल के अंदर गजलें भी लिखी हैं, नज़्म भी लिखी है, लघु कथाएं भी लिखी हैं, मैंने बच्चों की राइम्स भी लिखी हैं, मैंने गीत भी लिखे हैं, मैंने त्योहारों के ऊपर गीत लिखे हैं। लेकिन आज क्योंकि माहौल ख्वातीनों का है और भू बेटियों का है, तो मैं उसके ऊपर एक अपनी नज़म जरूर पढ़ना चाहूँगा, जिसको कि मैं बहुत दिल से, मेरे दिल के बहुत करीब है, दिल के मेरे बहुत करीब है, मैं वो निकाल लेता हूँ ताकि कोई शब्द अगर 19-20 हो जाए तो मुश्किल ना हो। कहता है, ये वो मधुमक्खी है जो काटती नहीं चूमती है। देखिए, मधुमक्खी घर में घुस जाए तो लोगों को डर लगता है कि ये काट ना जाए, कुछ बच के चलो। तो मैंने मधुमक्खी को कहां तक लेके गया, ये देखिए शायद का कमाल। ये वो मधुमक्खी है जो काटती नहीं चूमती है, मुस्कुराती हुई आंगन में चारों तरफ, मुस्कुराती हुई आंगन में चारों तरफ घूमती है, खुशहाली कुनबे में बरसे हर वक्त दुआएं करती, खुशहाली कुनबे में बरसे हर वक्त दुआएं करती। ये वो खुदाई खजाना है जिसे हर शहर ढूंढती, ये वो खुदाई खजाना है जिसे हर शहर ढूंढती है, कभी दुख दर्द ना आए घर में हमेशा कामना करती,
कभी दुख दर्द ना आए, हमेशा घर में ये कामना करती, रोशनी देती है और अंधेरों को हर पल समेटती, रोशनी देती है और अंधेरों को हर पल समेटती है। नादान है समझे जो कमजोर इस शक्ति, नादान है जो समझे कमजोर इस शक्ति को, विशाल आकाश जैसी और बोझ उठाती धरती है, विशाल आकाश जैसी और बोझ उठाती धरती है। कभी आंच आ जाए या मुसीबत में हो परिवार, कभी आंच आ जाए या मुसीबत में हो परिवार, ये वो शक्ति है जो बन दुर्गा समस्याओं से लड़ती है, ये वो शक्ति है जो बन दुर्गा समस्याओं से लड़ती है। तो क्यों ना नम करें हम इस, तो क्यों ना नम करें हम इसको और सदैव हंसता रहे परिवार इसकी कामना करती है, सदैव हंसता रहे परिवार इसकी कामना करती है। तो ये मेरी एक बात थी जो कि मैंने लिखी है, और भी आपको सुनाता हूँ बात। पद्मा ने कोई और किसी टॉपिक पे अगर कोई बात करनी है तो मेरे को बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी गा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कौन कौन है साथी हमारे, क्योंकि मेरे को पहली बारी हूँ तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा का भी आया है सामने, और क्योंकि मेरे को आज पहली मरतबा से मुखातिब हुआ तो मेरे को मालूम नहीं है कि भैया दाएं देखना है कि बाएं देखना है। मैं तो अपने दिमाग में क्योंकि जो समझदारी बातें करने की बातें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं गलती हो जाए या कोई बात समझने में कभी शब्द में उच्चारण में कोई गलती हो तो माफी चाहता हूँ। और तो एक और आपको सुनाता हूँ, मुझे पिलाओ ना दूर करो मैं खाने से, क्योंकि कोई कह रहा है कि आपने साकी या शराब के ऊपर कुछ नहीं सुना तो सुनिए। मुझे पिलाओ ना दूर करो मैं खाने से, मेरा ये घर है हटाओ ना यूं ठिकाने से, मेरा ये घर है हटाओ ना यूं ठिकाने से। क्यों बुझाते हो शमा बीत यूं ही रातों में, क्यों बुझाते हो शमा बीत यूं ही रातों में, मिलेगा क्या तुम्हें उतर पा के परवाने से, मिलेगा क्या तुम्हें उतर पा के परवाने से। बात यह है कि चीजें तो बहुत हैं कहने को भी, बहुत चीजें कहने को, लेकिन जितना वक्त मेरे को दिया था उससे शायद मैं थोड़ा ज्यादा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी इसको जारी रखता हूँ। आजकल माहौल जोन सा है थोड़ा गमगीन है, थोड़ा शांत है, और सब एक दूसरे से डरे भी हुए हैं, एक दूसरे से बातें भी करते हैं, एक दूसरे का हालचाल भी पूछते हैं। तो आज का जमाना क्या है मेरा ख्याल, दो कदम साथ चला जाए, आओ जमाने को बदला जाए, मुश्किलें तो सफर में रहेंगी संभल संभल कर चला जाए, मुश्किलें तो सफर में रहेंगी संभल संभल कर चला जाए। और सुनाता हूं, कहता है कि खास अपने उनके लिए है जो मोहब्बत में जा रही हैं या मोहब्बत को शुरू करने वाली हैं। परखने में जमाने को इस दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, देखिए परखने में जमाने को इस दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, इसी खता ने मुसलसल जख्म बहुत अनोखे दिए हैं, इसी खता ने मुसलसल जख्म बहुत अनोखे दिए हैं। कब तक संभालता मैं तेरी बेरुखियां बेवफाओं को, कब तक संभालता मैं तेरी बेरुखियां बेवफाओं को, संभलने के यकीनन मैंने तुझे कितने मौके दिए, संभलने के मैंने यकीनन तुझे कितने मौके दिए हैं। तो शायरी का एक अंदाज मैं आपको नया अंदाज दिखाता हूँ, शायरी में डायरेक्ट नहीं कहा जाता, नाम नहीं लिया जाता, इशारों में बात की जाती है। हमारे दोस्त ने कहा अभी कल ही व्हाट्सएप पे एक शेर लिख के भेजा जिसका कि था कि भाई लोग दगा देते हैं, लोग भूल जाते हैं, लोग काम करा के निकल जाते हैं। तो मैंने उसका जवाब दिया, बुला देते हैं लोग
भुला देते हैं लोग, मैं जानता हूं मैं नजर से तेरे दिल में शामिल हो चुका। ये शेर अलग तरीके से है लेकिन मायना यह है कि तू मेरे को दिल से भुला ले, लेकिन मैं नजरों से तेरे दिल में घुस चुका। एक शेर और आपके सामने पेश करता हूं, कोरोना के ऊपर ही है क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने कोरोना वाली बात को बोलूं, चलो एक और बात करता हूं। कहता है, सुहानी यादों को संजोए रखेंगे, सुहानी यादों को संजोए रखेंगे, जब वो दिन ना रहे तो ये भी ना रहे, जब वो दिन ना रहे तो ये भी ना रहेंगे। एक मैं आपको और अपनी चीज सुनाना चाहता हूँ। कहता है, आजकल का माहौल भी ऐसा हो चुका है कि लोग घर में कुछ बैठे होते हैं, कई जगह तलखियां भी होती हैं, कई ताने भी हैं, हर घर में मियां बीवी या बाप बेटा या माँ बेटे का एक जैसा रिश्ता तो होता नहीं। तो उसके ऊपर मेरी एक गजल है पुरानी, जो शायद थोड़ी सी इससे पूरी फिट बैठती है। कहते, तलखियां ना मार ना दिखा बेदर्दी, तलखियां ना मार ना दिखा बेदर्दी, डर जाऊंगा दर्द दिल की दुआ ना कर दवा दे मर जाऊंगा, दर्द दिल की दुआ ना कर दवा दे मर जाऊंगा। आज कुछ गमगी था पीली या कुछ हद से ज्यादा, आज कुछ गमगी था पीली या कुछ हद से ज्यादा, तू सहारा ना देगी तो कैसे घर जाऊंगा। तलखियां ना मार ना दिखा बेदर्दी, डर जाऊंगा दर्द दिल की दवा दे दुआ न कर मर जाऊंगा। आज कुछ गमगी था पीली हद से ज्यादा, तू सहारा न देगी तो घर कैसे जाऊंगा। बोझा नहीं, देखिए शेर सुनिए, बोझा नहीं मल्ला हूं मैं तेरी कश्ती का, बोझा नहीं मल्ला हूं मैं तेरी कश्ती का, तू जब कहेगी जहां कहेगी उतर जाऊंगा। बोझा नहीं मल्ला हूं मैं तेरी कश्ती का, तू जहां कहेगी जब कहेगी उतर जाऊंगा। तो जिंदगी के अंदर शेर व शायरी होती है, नरेंद्र जी भी रहते हैं, गोपाल रहते हैं, वाजिबा बहुत अच्छा है, वाबीवा छिंदे से भी बैठे हैं लोग, वाबीवा बहुत अच्छा है। शायरी का तो एक ऐसी बात है कि मैं करता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ और चीज अगर कहें तो सुना सकता हूँ, लेकिन समय की पाबंदगी है, मेरे को 20-25 मिनट का ही टाइम दिया गया था, तो शायद अगर आप हो तो मैं कुछ और भी सुनाऊं। तो वरिंदर जी, अगर आप भाई बोले तो, अगर आपको मेरे दोस्त को मेरे से कोई प्रश्न या कोई बात पूछना चाहते हो तो शायद मैं आपको बता सकूं, या कोई और बात हो तो मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। कोई शायरी के बारे में, कुछ गजल गोई के बारे में, कुछ इतिहास के बारे में, या किसी शायर के बारे में पूछना हो तो हम उससे गुफ्तगू कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन एक शेर, बाकी कई चीजें तो याद रहती है, कई आदमी बातें भूल जाता है, मैं आपके जानिब किस किताब का कोई भी पन्ना खोल के पढ़ूंगा ताकि लगे कि कहिए खोलता। अब देखिए क्या खुला है, मैंने मैं खाने में क्या खूब ये हरकत देखी, मैं खाने की खास बात आ रही है, मैं खाने में ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए, लेकिन लिखा क्या है शायर ने, मैंने मैं खाने में क्या खूब ये हरकत देखी, यानी साकी की निगाहों की हिमाकत देखी, साकी की निगाहों की हिमाकत देखी, चंद बूंदों की कमी आई थी पैमाने में, डालने में गलती हो गई, चंद बूंदों की कमी आई थी पैमाने में, रिंद की फिर तो वो बेवजह शिकायत देखी कि तुमने क्यों शराब कम डाल दी, चंद बूंदों के कारण रिंद की बेवजह शिकायत देखी, एक तो ख्वाब हुई जाती है मस्ती सारी, एक तो ख्वाब हुई जाती है मस्ती सारी, और उस पे तेरी आंखों की गैरत देखी, उस पे तेरी आंखों की गैरत देखी, बेअदब हो गए जब रिंद तो फिर लोगों ने, बेअदब हो गए जब रिंद तो फिर लोगों ने, सागरों खम की मियां को लोग साकी के सिरे में थे कि अगर क्या हो गया चंद बूंदे कम रह गई तो तुम्हें सिर्फ इसमें क्या हो गया। तो एक एक जो अमूनन कभी कभी मैं खाने के अंदर ऐसी बात हो जाती है तो ये रश्क की आंखों में उतरी जो शराब उल्फत, उसने बदली हुई दहर की रंगत देखी, उसने बदली हुई दहर की रंगत देखी। एक चीज आपको और सुना देता हूं, अगर आपको
आजकल फिर बार बार जाके करोने की याद आती है, खुदा की खास मेहर होती है, तभी तो जिंदगी बसर होती है। खुदा की खास मेहर होती है तभी तो जिंदगी बसर होती है, रंग गम से क्यों घबराएं, हर रात के बाद सहर होती है। ये शेर मैंने आज जो है ये राजे अकीदत पेश किया है अपने हिंदुस्तान के महान कलाकार इरफान खान को। जीवन में इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बावजूद भी इतना सिंपल और इतने इतनी जल्दी हमसे चले जाएगा, और इतने अच्छे कार एक्टर को अंजाम दिया उसने कि लोग तरसते थे उसकी एक झलक देखने को, जो अदायगी से, जो सेंटेंस, जिस सादगी से वो बोल जाया करता था, शायद बड़े से बड़े कलाकार दुनिया में नहीं पाते थे, लेकिन वक्त को शायद ये मंजूर नहीं था। एक अच्छा कलाकार हमारे से, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से चला गया, इसके लिए मैं अपना श्रद्धा सुमन पेश करता हूँ और खिलाड़ी हकीकत पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी गुफ्तगू शायद पसंद आई हो सकता है मेरा पहला मौका था, कुछ मेरे से समझने में गलती हो गई हो, कुछ मेरे से बोलने में गलती हो गई हो, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, और उम्मीद है कि अगर आप लोगों के साथ ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही मिलता रहा, तो मैं नई नई चीज़ें लेके आपके सामने आऊँगा, और आपको एक और मैं कुछ कभी सुना दूँ। हिदायतें लिखने के बाद और मैंने अपने दूसरे मौके हसरतें चालू कर दिया है, जिसकी एक गजल का मैं आपको छोटा सा नमूना दूंगा जो हसरत में आएगा, और मौका मिले तो मैं उसको कभी सुनाऊंगा, लेकिन आप सुनिए हसरतों की गजल का एक नमूना। चुभे तुझे वो बात बार बार नहीं करता, चुभे तुझे वो बात बार बार नहीं करता, दिल में रहकर तुझे बेकरार नहीं करता, दिल में रहकर तेरे तुझे बेकरार नहीं करता। हजार मुश्किलें हैं मेरे सफर में, लेकिन हजार मुश्किलें हैं मेरे सफर में, लेकिन इधार करके मैं तुझे बीमार नहीं करता, इधार करके उन्हें तुम्हें मैं बीमार नहीं करता, तुम्हें तुझे वो बात बार बार नहीं करता। ये मेरी दिल के मसले के साथ कुछ एक आशार था, और इंशाल्लाह कभी मौका दोबारा मिलेगा तो आपको और भी अपनी नई ताज़ा तरीन गजलें अलग तरीके से सिखाऊंगा। आज मुझे कुछ तजुर्बा हासिल हुआ है, वैसे तो मैं बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बातें बार करता हूँ, लेकिन आज लाइव के ऊपर आने में शायद कुछ बोलने में शब्दों के अंदर कभी कुछ बात हो तो, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपसे बातें हुई, और ये मेरे को बहुत ही एक मेरे लिए तजुर्बा है, और मेरे को आपसे सब खवातीनों हजरात, मेरी बहनों, मेरे भाइयों जिन्होंने भी मेरे इस प्रोग्राम को देखा, उसका मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो तवानाई, जो ताकत, जो तजुर्बा, जो बात आपने मैंने आपसे सीखी है, जो आपको मैंने आज बताई हैं, शायद वो हम दोनों हमारे लिए आगे जाके एक दूसरे के लिए बंधन बनेंगी, और फिर मैं आपको और भी अपनी नई कविताएं, नज़में और गज़लें सुनाता रहूँगा और आपके साथ सामने आता रहूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, रब्बा के, थैंक यू।